हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हिस्ट्री जो कि हमारे तमिलनाडु की चल रही है, ये फर्स्ट ईयर की है। कहने का मतलब है कि 11th क्लास की हिस्ट्री है। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कौन से चैप्टर्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब तक जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, मिडिवल हिस्ट्री चल रहा था और मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत तक देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर था, तो कैसी कैसी कंडीशन थी हमारे इंडिया का दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि इसके पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत देख रहे थे कि किस तरीके से जो है आपका जो स्लेव डायनेस्टी था वो आया, खिलजी डायनेस्टी हम लोग ने पूरे डिटेल में देखा, उसके बाद लोधा डायनेस्टी देखे। तो ये सारे डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम लोग डिटेल देखे थे। बट अब इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव था और इंडिया की क्या दुर्दशा थी या फिर दशा थी, सारी चीज़ें देखेंगे कि इंडिया का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इकॉनमी उस टाइम पर कैसे थे, कैसे लेकर चल रहे थे। वैसे अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें तो बहुत ही अच्छा इनका साम्राज्य था, बहुत ही अच्छा इनका कार्य करने का तरीका था, लेकिन फिर भी इंडिया का क्या कंडीशन था आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सोचने के तरीके के आपको बढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत जब हमारे यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश था पूरी तरीके से, तो उस समय इंडिया का क्या हाल था। जैसे हम लोग मुगल के बारे में पढ़े हैं, तो इसलिए अभी हम लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर्षवर्धन के कार्यकाल में कैसा था, जब पल्लव का, चोला का, चालुक्य का आया तो कैसा था, गुप्ता पीरियड में कैसा था, अब तक हम लोग देखे जो कि आपके माइंड में क्लियर होगा। नहीं क्लियर है, नहीं देखे हो पहले की लेसन, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का कंडीशन कैसा था। इंडिया में हर एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी यहाँ पे लेसन होने वाली है, क्योंकि काफ़ी न्यू चीज़ भी पता चलेगा। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इससे हम लोग को ये पता चलता है ना कि हम जब नहीं थे इस दुनिया में तब क्या क्या हो गया है कि नहीं। बहुत अलग चीज़ है जो आज के डेट में हम लोग को देखने को नहीं मिलता, जो आज के डेट में हम लोग कहीं सोच भी नहीं पाते, वो सारी चीज़ें होते हुए आई है। तो हिस्ट्री को एज ए बोरिंग मत समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग समझिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि अपने आप को खुद को विजुअलाइज़ कीजिए कि आप ये सारी चीज़ें आँख खुल कर देख रहे हो। जैसे जैसे मैं यहाँ स्टोरी के फॉर्म में आपको बताते जाऊँगी, तो आप ऐसा फील करना कि आप वो सारी चीज़ें देख रहे हो। दिल्ली सल्तनत को ना आप इंडिया में रह कर जो है आप महसूस कर पा रहे हो कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी थी, इकॉनमी कंडीशन कैसी थी। तो हर एक चीज़ देखेंगे, इवन आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखेंगे हम लोग, जो कि हर एक चैप्टर के एंड में देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था दिल्ली सल्तनत के अंदर, सेकंड देखने वाले कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, सोशल लाइफ कैसा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था और लिटरेरी डेवलपमेंट कैसा हुआ। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी है, क्योंकि इंडिया के कंडीशन अगर आप लोग को देखना है तो इस 3-4 पार्ट में पूरा पता चल जाता है। स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ हमारे कंट्री में, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बहुत अच्छा पावरफुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम निकल कर आया, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए, जिस तरीके से अपने साम्राज्य का ख्याल रखना चाहिए, अपने साम्राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स होनी चाहिए, वो दिल्ली सल्तनत में ना सबसे बेस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है। और इंडिया की पोजिशन अगर आप लोग देखोगे ना दिल्ली सल्तनत में, तो एकदम जेनिथ में था, यानी कि सबसे टॉप था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना बेटर था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सबसे बेटर मानी जाती है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में ही, सदर्न इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये क्या था कि डिसइंटीग्रेटेड था, यानी कि यहाँ पे आपका मेल नहीं था, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में भी ये बटा हुआ था। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा इंडिया में पावरफुल इंपैक्ट देकर गए। जितने भी प्रोविंशियल किंगडम है उनके ऊपर बहुत अच्छा खासा जो है पावरफुल इंपैक्ट हुआ। उसके बाद जो है मुगल सिस्टम ऑफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन आया लेटर ऑन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग देखें तो ये एक इस्लामिक स्टेट था, जिसमें कि रिलीजन आपका इस्लाम था। तो ये चीज़ें तो हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अब तक के जितने भी यहाँ पे राजा महाराजा थे तो सब मुस्लिम ही होते आए हैं, तो इसलिए इस्लामिक स्टेट था दिल्ली सल्तनत। तो सल्तनत जो थे ना, सुल्तान जो थे, वो अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मानते थे खलीफ के, और अपना नाम जो है ना खलीफ के नाम पे रखते थे इन द कुतबा और प्रेयर, और उन्हीं के नाम पर जो है ना कॉइन भी इंस्क्रिप्ट किया गया था, बनाया गया था। और तो जो बलबन थे ना, वो अपने आप को शैडो ऑफ गॉड मानते थे, यानी कि वो गॉड का ही, यानी कि भगवान के ही वो परछाई है, ऐसा बलबन अपने को मानते थे। साथ ही साथ वो यहाँ पे खलीफ के नाम पर ही
अपने सारे प्रैक्टिसेस को जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू किए। इसके बाद जो इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक जो आए वो भी यहाँ पे मंसूर को ऑप्टेन किए, या फिर लेटर ऑफ परमिशन जो कि खालिफ से मिलता है, तो वो भी इन सारे चीज़ों को वो ऑप्टेन किए। यानी कि इनका जो भी आपका कार्यकाल हुआ, जो भी काम ये लोग स्थापित किए और जो जैसे भी ये लोग आगे बढ़े, ये खालिफ के नाम पर ही आगे बढ़े। सुल्तान के ऑफिस के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था यहाँ पे, वो अल्टीमेट अथॉरिटी थे मिलिट्री के, साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें लीगल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के, यहाँ पे कोई भी क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है कि क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, सारे सन्स को जो है जितने भी पुत्र हुआ करते थे उनको इक्वल क्लेम्स था। ऐसा नहीं है कि बड़े पुत्र है तो पिता के जाने के बाद जो है ना बड़े पुत्र ही उस गद्दी को संभालेंगे, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो इस तरीके का प्रथा चलते आ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था ना कि लॉ ऑफ सक्सेशन, एक बाद में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ सक्सेशन आया, यानी कि पिता के पात्र जो बड़े पुत्र होते हैं सिर्फ वही गद्दी पे बैठ सकते हैं। बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छे से लेकर चला गया, इसमें एक प्लस पॉइंट यही था। इल्तुतमिश की बात करें तो उन्होंने अपने डॉटर को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया था, जो रज़िया थी। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि सन को नहीं प्रेफरेंस देकर उन्होंने अपने डॉटर को गद्दी पे बैठाया था, जो रज़िया थी। बट इस तरीके का नॉमिनेशन और जो सक्सेशन था ना, वो यहाँ पे नोबल के द्वारा ही एक्सेप्ट किया गया था। समटाइम्स हम लोग देखे थे कि उलेमास जो थे काफ़ी अच्छा खासा क्रिटिकल रोल प्ले किए थे कि वो यहाँ पे जो सक्सेशन ऑफ थ्रोन है उसको एक्सेप्ट करना, कि यहाँ पे एक कानून होना चाहिए जिसके थ्रू जो पिता के बाद जो बड़े पुत्र होते हैं उनको ही गद्दी मिलना चाहिए। लेकिन इस तरीके का वो चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। इक्वल सबको था, सारे पुत्र एक समान थे, जिनको राजा चाहते थे कि उनके गद्दी में जो उनके बाद बैठे वो उनका नाम बोलते थे। ठीक है, मिलिट्री सुपीरियरिटी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा फैक्टर्स था। इवन हम लोग जो खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे, तो खिलजी डायनेस्टी में ये देखने को मिला कि उन्होंने अपने मिलिट्री पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। यानी कि उसमें कालवरी हो या हॉर्स हो या फिर एलिफेंट हो, बहुत थाउजेंड ऑफ नंबर्स में उन्होंने बढ़ाया था, जिससे कि वो युद्ध में बहुत अच्छे तरीके से जीत पाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो सुल्तान थे वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स और जो ऑफिशियल्स थे उनसे वो असिस्ट किए जाते थे। जो पोस्ट था नायब का वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और नायब की बात करें तो वो सारे पावर्स को, जो सुल्तान के पास पावर होता था ना, वो पावर नायब के पास भी था और वो उसको प्रैक्टिस भी करते थे। जनरल कंट्रोल वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे जितने भी डिपार्टमेंट होते थे। उनके बाद आप देखोगे तो वज़ीर है, वज़ीर जो कि यहाँ पे फिनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते थे, और इनको दीवानी वजारत भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दीवानी वजारत किन को कहते हैं, तो यहाँ पर वज़ीर को कहते हैं जो कि फिनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते थे। मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करें जो कि दीवानी अरीज़ है, और इसको अरीज़े मुमलिक भी कहते थे। तो अरीज़े मुमलिक क्या था ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये है मिलिट्री डिपार्टमेंट। इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो ये था कि यहाँ पे मिलिट्री में जितने भी सोल्जर्स को रिक्रूट करना है तो अच्छे से सोल्जर्स को रिक्रूट करना है, मिलिट्री डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से चलाना है, मॉनिटर करना है, टाइम टू टाइम उसको देखते रहना है। साथ ही यहाँ पे कमांडर इन चीफ नहीं थे आर्मी में, सुल्तान की बात करें तो वो खुद ही यहाँ पे कमांडर इन चीफ थे, यानी कि हेड होते, हेड ऑफ़ द आर्मी, उनको कमांडर इन चीफ कहा जाता था। तो वो उस समय नहीं थे, लेकिन जो सुल्तान हुआ करते थे ना, वो अपने आर्मी को ही अपने आप को ही वो हेड मानते थे, क्योंकि उन्हीं के अंडर में और उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन में सारे मिलिट्री पावर्स जो है ना वो आपका लीड किया जाता था। जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो फर्स्ट पलबन के द्वारा ही सेटअप किया गया था, और फर्दर इसको फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया। अगर मिलिट्री एक्सपेंशन का आपको कभी भी कहीं भी एग्जाम्पल देने को मिले तो आप लोग अलाउद्दीन खिलजी की ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि उनके द्वारा बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया गया था। एक अद्भुत था वो, है ना, भव्य भी था और अद्भुत भी था, जो कि उसके बाद कभी नहीं देखने को मिला। साथ ही अगर हम लोग अलाउद्दीन की बात करें तो उनके ऊपर एक ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज भी इंट्रोड्यूस किया गया, और वो जो सैलरी पे करते थे वो कैश में पे करते थे, ये भी था अलाउद्दीन खिलजी की। कैलवरी जो था वो इम्पॉर्टेंस था दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना है। दीवानी रसालत की बात करें तो दीवानी रसालत जो था ना वो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर था, जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो कि दीवानी रसालत था, इसको कौन हेड करते थे, तो यहाँ पे चीफ सदर थे। ग्रांट जो यहाँ पे दिया जाता था डिपार्टमेंट के द्वारा कि वो मॉस्क बनाए, टॉम बनाए, मदरसा बनाए, तो इसके कंस्ट्रक्शन करने के लिए और इसके मेंटेनेंस करने के लिए ग्रांट दिया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के। जो डिपार्टमेंट बनाया गया था ये रिलीजियस अफेयर्स के लिए बनाया गया था, तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो भी आपका मॉस्क बनेगा, मस्जिद बनेगा, आपका टॉम्स बनेगा, मदरसा बनेगा, तो उसके लिए जो है यहाँ पे पैसे दिए जाते थे ताकि ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो सके। जो जुडिशियल सिस्टम के हेड थे ना, जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड, उनको यहाँ पे काजी कहा जाता था। दूसरे जज हो या काजीज़ हो, उनको यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में, सल्तनत के पार्ट में अपॉइंट किया जाता था। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें या फिर शरिया लॉ की बात करें तो वो भी यहाँ पे सिविल मैटर्स को काफ़ी ज़्यादा देखते थे, मुस्लिम्स लॉ। हिंदू की बात करें तो इनको अपने खुद के पर्सनल लॉ से ही गवर्न किया जाता था, और उनके जो केसेस थे वो विलेज पंचायत के द्वारा ही सॉल्व किया जाता था।
क्रिमिनल लॉज की बात करें, क्योंकि दो तरीके के कानून होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ कहने का मतलब है कि किसी का मर्डर हो गया, किसी का जैसे कि आप कह सकते हो किसी को गोली मार दिया गया, तो इस तरीके का जो होता है वो क्रिमिनल लॉ होता है। तो ये रूल्स और रेगुलेशन जो भी सुल्तान्स के द्वारा बनाया जाता था उन्हीं के ऊपर बेस्ड था। डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जिसको दीवानी इंशा कहते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट का नाम आप एक जगह प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है अगर आप लोग CGL की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और भी स्टेट PCS के एग्जाम दोगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंट बनता है। आप लोग जो देखते हो ना कि मिडेवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस फॉर्म। ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि उनके रूलर और जो ऑफिशियल्स के बीच में जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट के ही द्वारा डील किए जाते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अभी तो ये सेंट्रल लेवल पे देख रहे थे, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग लोकल लेवल पे देखें तो जो प्रोविंसेस थे, यानी कि आज के डेट में जैसे हम लोग स्टेट बोलते हैं तो उस समय प्रोविंसेस हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी प्रोविंसेस थे ना उनको इक्तास कहते थे, और ये इनिशियली नोबल्स के ही कंट्रोल के अंदर आते थे, बट जो प्रोविंसेस के गवर्नर है उनको यहाँ पे मुक्तीज़ या वालीज़ कहते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, दीज आर द मुस्लिम टर्म्स, ठीक है, तो इसलिए इसको समझने में प्रॉब्लम होगी। जितने भी मुस्लिम व्यूअर्स हैं मेरे उनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन और भी रिलीजन को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सो बेटर टू राइट दिस एंड रिवाइज इट टाइम टू टाइम। साथ ही इनके द्वारा क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लैंड रेवेन्यू जो है उसको कलेक्ट करना है। प्रोविंसेस को यहाँ पे 6 में डिवाइड किया गया था, बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि जो स्टेट है उसमें फर्दर डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुआ है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, तो उसी तरीके से प्रोविंस को जो है 6 में यहाँ पे डिवाइड किया गया, और नेक्स्ट डिवीज़न जो है वो परगना में है, यानी कि जो आज के डेट में हम लोग ब्लॉक कहते हैं, तो वो परगना में आपका डिवाइडेड है। जो शिक है वो यहाँ पर आपका शिकदार के कंट्रोल के अंदर में आता है, और परगना जो है यहाँ पर नंबर ऑफ विलेजेस है जिसको यहाँ पर MLA यहाँ पर हेड करते हैं। विलेज जो है आज भी बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और विलेज के जो हेडमैन्स है उनको यहाँ पे मुकद्दम या फिर चौधरी कहते हैं, और जो विलेज अकाउंटेंट है उनको यहाँ पे पटवारी कहते हैं। तो देख लीजिए काफ़ी कुछ पता चल गया आपको, पटवारी किनको कहते हैं, चौधरी किनको कहते हैं, मुक्ति किनको कहते हैं, इकतास किसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। कमिंग टू द इकोनॉमिक पॉइंट, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा इकॉनमी था। अब यहाँ पे देखिए इनके पोजीशन को कंसोलिडेट करके इंडिया में, तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स लाया गया जो कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। तो यहाँ पे अगर लैंड की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इक्ता लैंड, सेकंड है खालिसा लैंड, एंड थर्ड है इनाम लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो कितने बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसी तरीके से याद कीजिएगा। 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया, इक्ता लैंड यानी कि लैंड जो कि ऑफिशियल से एसोसिएटेड है, असाइंड है, और इसको इक्तास कहा जाता था, इंस्टीड ऑफ पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज, यानी कि ये ऑफिशियल से ही एसोसिएटेड है वैसे ज़मीन को इक्तास लैंड कहते हैं। खालिशा लैंड यानी कि वो लैंड जो कि डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल के अंदर आता है, और रेवेन्यू भी कंट्रोल किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे रॉयल कोर्ट और रॉयल हाउसहोल्ड को मेंटेनेंस करने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए इस तरीके का जो खालिशा लैंड है उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो राजा महाराजाओं का जो घर हुआ करता था, राजा महाराजाओं का जो रॉयल पैलेसेस हुआ करता था उसको मेंटेन करने में वो लोग खर्च करते थे। फिर है इनाम लैंड, इनाम लैंड मीन्स वैसे ज़मीन जो कि कुछ रिलीजियस लीडर्स को ग्रांट किया जाता था या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि मदरसा वगैरह है, तो उनको अगर इस तरीके का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस आपका लीडर को अगर कोई भी तरीके का ज़मीन ग्रांट किया जाता था तो उनको यहाँ पे जो है इनाम लैंड कहते हैं। तो 3 तरीके का लैंड समझ में आ गया, इक्ता लैंड विच इज़ डायरेक्टली असाइंड टू ऑल ऑफिशियल्स, कोई भी ऑफिशियल्स को यहाँ पे आपका असाइंड है तो उसको इक्ता कहते हैं, और खालिसा लैंड जिससे कि लैंड रेवेन्यू आपका दिया जाता था राजा महाराजाओं को, इनाम लैंड जो कि आपका रिलीजियस पर्पस के लिए था। ठीक है, जो पिजेंट्री पेड है, पिजेंट्री को यहाँ पे पेड करना पड़ता था 1/3 देयर प्रोड्यूस, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू है लैंड रेवेन्यू के जैसा उनको देना पड़ता था, तो जितना वो उस ज़मीन में उगाते थे उसका 1/3 जो है वो राजा को देना पड़ता था, समटाइम्स इवन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस भी देना पड़ता था। कभी अगर राजा के पास अगर उनको रेवेन्यू पूरा नहीं मिल पाया, उनको रेवेन्यू की कमी होती थी, तो इस तरीके का हार्श मूवमेंट भी लिया जाता था कि जितने पिजेंट्स हैं, जितने फार्मर्स हैं, उनसे उनके ज़मीन से जितना भी उपजाया जा रहा है उनका हाफ ऑफ द पोर्शन जो है यहाँ पे राजा को दिया जाना चाहिए। साथ ही उनको यहाँ पे कुछ और भी वो यहाँ पे करते थे, इसके अलावा वो टैक्सेस पे करते थे, और हेड टू माउथ लिविंग भी
फ्रीक्वेंट फैमिन्स भी आता था, यानी कि उनके लाइफ्स और ज़्यादा मिजरेबल होते थे। जैसे पहले क्या था ना कि पहले क्या, आज भी हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि जब कोई भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहले जो मार पड़ती है, सबसे पहले जो लोग परेशान होते हैं वो गरीब लोग ही होते हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, चाहे लघु उद्योग में काम करने वाले लोग हो, माइग्रेंट लेबर हो, तो वो लोग के ऊपर गाज गिर जाते हैं। यही चीज़ पहले होता था, और पहले तो और भी हार्श होता था ना कि अगर उनकी पैदावार अच्छे तरीके से नहीं हुई है तो उनको राजा को और ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ता था। मतलब कि कैन यू इमेजिन कि ये कौन सी बात होती थी। आज की डेट में चलिए अच्छे ये चीज़ समझ में आता है कि पैदावार अगर हिट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है उसका वसूल करते हैं, नहीं, सरकार तो वसूल नहीं करते। चलिए हिट हो जाता है तो इंश्योरेंस भी दिया जाता है, ये सारी चीज़ें एक मुहैया कराया जाता है उनको। लेकिन पहले का ये था कि अगर अगर नेचुरल डिजास्टर्स आ गया या फिर क्रॉप की पैदावार इल्ड ज़्यादा नहीं हो पाई तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होते थे? फार्मर्स ही होते थे। उनको सरकार को जो है ना, राजाओं को किसी तरीके से जो है लैंड का भुगतान तो करना ही होता था। सुल्तान्स की बात करें, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज़ तुगलक है, तो ये काफ़ी एफ़र्ट्स लाए थे जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस है ना उसमें चेंज ला सके। और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना है, टक्कावी लोन्स ये भी हम लोग देखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो कि उनको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो बेटर तरीके से अपना काम कर सके। साथ ही फार्मर्स को इनक्रेज करने का भी काम किया गया कि वो अच्छा अच्छे से अच्छे जो क्रॉप है, मीन्स जो सुपीरियर क्रॉप है, जैसे वीट इंस्टीड ऑफ बार्ले, ये सारी चीज़ों को वो उगाए। और फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के ग्रोथ को भी इनक्रेज किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उनके लिए उनके तरफ से एक अलग से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी कि दीवानी कोही जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सल्तनत पीरियड के टाइम में देखें तो जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। नंबर ऑफ़ सिटीज़ और जो टाउन थे वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे क्योंकि हर एक जगह अच्छे से ध्यान दिया जा रहा था। लाहौर की बात करें, मुल्तान, ब्रोच, अनिलवाड़ा, लखनौती या फिर दौलताबाद, दिल्ली, जौनपुर, ये सारे जगहों की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। दिल्ली जो है ना एक लार्जेस्ट सिटीज़ रहा है हमेशा ईस्ट में। और जो ट्रेड और कॉमर्स का अगर हम लोग ग्रोथ देखें तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। इंडिया के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट भी किया जाता था कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि पर्शियन गल्फ़ है, वेस्ट एशिया है, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। तो इनके साथ हमारा व्यापार जो है ना दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हो चुका है। साथ ही वेस्ट एशिया से आज के डेट में आप लोग देखते हो जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, सीरिया हो गया, ईरान, इराक, साथ ही साथ आपका ओमन, येमन, ये सारी कंट्रीज़ है। तो हम लोग वेस्ट एशिया में आज के डेट में जो डिपेंडेंस है वो हमारा यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए है कि नहीं? लेकिन ये चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे पहले के समय में। लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो है हम लोग वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट करते थे। पर्शियन गल्फ़ आप लोग देख रहे हो, पर्शियन गल्फ़ के चारों ओर आपको जो है सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, ईरान देखने को मिलेगा, तो वो सारे जगह में भी हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आप लोग देख सकते हो, जैसे कि फिलीपींस हो गया आपका, यहाँ पे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज़ है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो ये बात आ गई, ये सारी जगहों पे हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था। ओवरसीज़ जो ट्रेड है वो भी यहाँ पे मुल्तानीज और जो अफ़गान मुस्लिम थे उनके कंट्रोल में था, यानी कि बाहर बाहर जो हम लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, वो यहाँ पे अफ़गान के मुस्लिम के अंडर में था। इनलैंड ट्रेड की बात करें, यानी कि अपने कंट्री में जो ट्रेड करते थे वो गुजरात मरवाड़ी के अंदर में था और मुस्लिम बोहरा मर्चेंट के अंदर में था। अगर हम लोग देखें यहाँ पे रोड का भी अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन कराया गया, बनाया गया, बहुत चौड़ीकरण किया गया, रोड बनाया गया, कनेक्टिविटी भी बढ़ गई थी, स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका था। पर्टिकुलरली रॉयल रोड को यहाँ पे जो है ना अच्छे शेप में रखा जाता था, जो राजा महाराजाओं के घर से निकलने वाला जो रास्ता होता था वो बहुत अच्छे तरीके से साइज पे बहुत अच्छे तरीके से होती थी। सराइसेस और रेस्ट हाउस भी देखे तो हाईवे में बनाया जाता था और जितने भी ट्रैवलर्स थे उनको वहाँ पे रेस्ट करने के लिए इस तरीके का भी यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया था। कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। सेरीकल्चर की बात करें तो वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था लार्ज स्केल में, जो कि इंडिया को लेस डिपेंडेंट बना दिया था वो भी अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि हम लोग जो इंपोर्ट करते थे रॉ सिल्क का तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, बट जब से हम लोग सेरीकल्चर पर डिपेंड हो गए हैं जिसमें कि आपका सिल्क का कल्टीवेशन होने लगा, तो ये सारी चीज़ों से हम लोग क्या किए कि अपने यहाँ भी सिल्क का कल्टीवेशन करने लगे, जिससे कि दूसरी कंट्री जिससे कि हम लोग डिपेंडेंट थे कि इंपोर्ट कराना है सिल्क को, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ कम हो पाया। पेपर इंडस्ट्री की बात करें, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ था, एक्सटेंसिव यूज़ हो पाया था पेपर का, वो भी 14th और 15th सेंचुरी में। दूसरे क्राफ्ट जैसे कि लेदर मेकिंग है, मेटल क्राफ्ट्स है, कारपेट वीविंग है, ये सारी चीज़ भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ते गया था। जो रॉयल खरखांस थे उनके द्वारा गुड्स को सप्लाई किया गया, जितने भी यहाँ पर सुल्तान को ज़रूरत है उनके हाउस होल्ड को ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर कॉस्टली जो आर्टिकल्स है वो भी बनाया गया, जो कि यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और साथ ही साथ यहाँ पर गोल्ड वेयर से बना हुआ था। नोबल्स भी यहाँ पर जो है ना लाइफ
स्टाइल को, जो सुल्तान के लाइफ स्टाइल थे उनको बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस टाइप के रखते थे। जो सिस्टम था कॉइनेज का, यानी कि जो कॉइन चलता था, ये भी डेवलप हुआ था दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा। जो है बहुत तरीके के सिल्वर जो टनकास थे उसको इशू किया गया, बाद में ये फेल हो गया वो बात अलग है, लेकिन सिल्वर टनकास इनके द्वारा इशू किया गया। एक सिल्वर टनका जो है वो 48 जिल्टस में ये डिवाइड होता है। ये सारी चीज़ें याद मत कीजिएगा क्योंकि इतना डिप में नहीं पूछा जाता है। गोल्ड कॉइन है, डिनार्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। कॉपर कॉइन की बात करें तो ये कम नंबर में ही था, इसमें डेट भी नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इनके द्वारा कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, इनके द्वारा यहाँ पे टोकन करेंसी ही नहीं एक्सपेरिमेंट किया गया था, बल्कि बहुत सारे टाइप के गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी यहाँ पे इशू किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और एटलीस्ट 25 वेराइटी ऑफ गोल्ड कॉइन जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है आपका इशू किया गया था। तो ये भी देख लग सकते हैं कि कॉइन के भी फेज़ में, कॉइन के भी टर्म्स में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपका रहा, योगदान रहा। अब आते हैं सोशल लाइफ यानी कि इकोनॉमिक लाइफ, आप लोग देख लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ तो बल्ले बल्ले ही था ही, साथ ही इकोनॉमिक लाइफ भी इतना ज़्यादा सटल था, इतना ज़्यादा जो है अच्छा था कि उसको हम लोग आज के डेट में डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब सोशल लाइफ भी देखते हैं, ये भी पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिटिल चेंज देखने को मिला था हिंदू सोसाइटी के स्ट्रक्चर में। ट्रेडिशनल जो कास्ट सिस्टम था ना ब्राह्मणिज्म के साथ, कि ब्राह्मण जो है अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, वो आज के भी डेट में प्रिवलेंट थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत तक प्रिवलेंट थे। और अभी भी आप लोग देखोगे 21st सेंचुरी में तो आज भी ये यही है। सब सर्वियंट पोजीशन अगर हम लोग वीमेन का देखें तो ये कंटिन्यू था, यानी कि वीमेन की जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं बर्बाद ही हो रही थी, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ सती आप लोग देख रहे हो ये काफ़ी प्रिवलेंट हो चुका था। इसका मतलब है कि जैसे किसी की हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उस वीमेन को भी जो है उसी समय अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लेना होता था, यानी उनको भी आग में कूद के मर जाना होता था। तो ये सारा चीज़ हो ही रहा था, पुर्दा सिस्टम आ ही चुका था कि वीमेन जो है अनजान आदमियों के सामने जो है इस तरीके से नहीं जाएगी, पर्दा करेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गया था, वो भी अपर क्लास वीमेन में। अरब और टर्क्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे पुर्दा सिस्टम लेकर आए थे इंडिया में, और ये पूरी तरीके से हिंदू वीमेन में फैल चुका था। सल्तनत पीरियड में देखें तो मुस्लिम सोसाइटी जो है ये बहुत तरीके के सेवरल एथनिक और रेशियल ग्रुप में ये डिवाइडेड था। टर्क्स की बात करें, इरानियन है, अफगान है या फिर इंडियन मुस्लिम है, ये एक्सक्लूसिवली डेवलप हो रहे थे और यहाँ पे कोई भी इंटर मैरिज नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के बीच में ये लोग मैरिज कर रहे थे, शादी विवाह ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। हिंदू को यहाँ पे लोअर कास्ट के जो थे ना उनको यहाँ पे लोअर कास्ट से कन्वर्ट किया जा रहा था, जो कि यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। मुस्लिम नॉवल्स की बात करें तो वो हाई ऑफिस में वो ऑक्यूपाई किए हुए थे, हाई पोजीशन उनको मिलता था और बहुत ही रेयरली, यानी कि हिंदू नॉवल्स जो है ना उनको हाई पोजीशन अगर हम लोग देखें तो बहुत रेयरली दिया जाता था, लेकिन मुस्लिम नॉवल्स को दिया जाता था हाई पोजीशन। जो हिंदूज थे उनको यहाँ पे जिम्मिस कंसीडर किया जाता था, जिम्मिस यानी कि प्रोटेक्टेड पीपल, कि उनको यहाँ पे सेव करके रखना है, और इनको फोर्स किया जाता था कि आप टैक्स पे करो, जो कि जिजिया था, जिजिया टैक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, और ना जाने कितने एन नंबर ऑफ टाइम्स में ये अभी तक आपको मिला है। तो जिजिया टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम को यहाँ पे करना होता था, स्टार्टिंग में क्या था कि जिजिया को एज ए पार्ट ऑफ लैंड टैक्स ही कलेक्ट किया जाता था, लेकिन फिरोज़ तुगलक के द्वारा इसको अलग कर दिया गया लैंड रेवेन्यू से, और जिजिया को एज ए अलग टैक्स के जैसा इसको कलेक्ट किया गया। समटाइम्स ब्राह्मिन्स जो थे ना उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता था कि चलिए आप जिजिया टैक्स मत दीजिए, लोअर कास्ट के लोग जो है वो यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके का भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन था। तो ये भी देख लिए सोशल, आपको ये भी क्लियर हो गया कैसा सोसाइटी था हमारा। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बेसिस में भी देख लेते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर दिल्ली सल्तनत में देखें तो ये काफ़ी डिस्टिंक्ट था इंडियन स्टाइल से। जो टर्क्स थे उनके द्वारा आर्क्स, डोम्स, लॉफ्टी टावर, मिनारेट्स, डेकोरेशन ये सारी चीज़ें लाया गया था। जैसे आप लोग देखते हो ये डोम वगैरह है, या फिर यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा कि टावर वगैरह बहुत होता है, आर्क्स वगैरह बहुत होता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिला। इनका काफ़ी अच्छा खासा जो इंडियन स्टोन कटर है उनके स्किल्स को इस्तेमाल किया गया, काफ़ी कलर भी ऐड किए गए बिल्डिंग्स वगैरह में, मार्बल, रेड, येलो, सैंड स्टोन, हर एक तरीके की चीज़ें इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा था टेम्पल्स और अदर स्ट्रक्चर्स को जो है ना बर्बाद करके वहाँ पे मॉस्क बनाया जा रहा था, मस्जिद बनाया जाता था। तो ये चीज़ें हर्ट करने वाली है कहीं ना कहीं, बट कोई नहीं, हो रहा था तो हो रहा था, है कि नहीं, कोई बात नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखोगे क्वात उल असलम मॉस्क जो है वो कुतुब मीनार के बगल में है दिल्ली में, जिसको यहाँ पे आपका हिंदू और जैन टेंपल को डिस्ट्रॉय करके बनाया गया, बट इसके बाद जो है यहाँ पे एक न्यू स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्डिंग अगर 13th सेंचुरी के देखें तो वो कुतुब मीनार है, जिसको ऐबक के द्वारा यहाँ पे बनाया गया और लेकिन कम्प्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये 71 मीटर टावर है जो कि डेडिकेटेड किया गया है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी को, और ये जो बालकनी है, इस टावर का जो बालकनी है ना वो मेन बिल्डिंग से ही आपको
आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रूफ है आर्किटेक्चर स्किल का, यानी कि कितने अच्छे स्किल है जो कि आप लोग देख सकते हो कि इतने अच्छे तरीके के स्किल्स जो है आज की भी डेट में हमारे कंट्री में नहीं बनते हैं, लेकिन जो हमारे पहले के हिस्ट्री के जो इस तरीके के स्किल्स है वो आज भी इतना ज़्यादा प्रिवलेंट है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ना कुतुब मीनार को और भी अच्छा खासा बनाया, एंट्रेंस यहाँ पे ऐड किया गया जिसका नाम अलाई दरवाज़ा रखा गया। इस आर्क का जो डोम था ना वो भी यहाँ पे साइंटिफिक लाइन से ही आपका बनाया गया। बिल्डिंग अगर आप तुगलक पीरियड का देखोगे तो यहाँ पे आर्क और डोम को कंबाइन करके ही बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे सस्ते और इजीली अवेलेबल जो ग्रे कलर स्टोन थे ना उसका इस्तेमाल किया गया था। पैलेस अगर देखें, पैलेस कॉम्प्लेक्सेस जिसको तुगलाबाद कहते हैं, इसमें ब्यूटीफुल लेक है यानी कि झील वगैरह है जिसको गियासुद्दीन पीरियड में भी बनाया गया था, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इनके द्वारा टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन बनाया गया था, वो भी हाई प्लेटफॉर्म में। कोटला फोर्ट जो कि दिल्ली में है उसको यहाँ पे फिरोज़ तुगलक के द्वारा बनाया गया था। लोधी गार्डन जो कि दिल्ली में है वो यहाँ पे लोधीज़ के आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल है। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी तरीके के आर्किटेक्चर बनाए गए थे आई होप कि अब क्लियर हो चुका होगा, है कि नहीं। आते हैं म्यूज़िक में, म्यूज़िक में कैसा था वहाँ पे? न्यू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सारंगी है, रबाब है, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। अमीर खुसरू की बात करें तो इनके द्वारा न्यू राग और जैसे कि घोरा, सनम, ये सारा स्टार्ट किया गया था। न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूज़िक स्टार्ट की गई थी जिसको कवालिस कहते हैं, और यहाँ पर हिंदी हिंदू और इरानियन सिस्टम का ये ब्लेंड भी था। सितार का भी इन्वेंशन हुआ था। इंडियन क्लासिकल वर्क जैसे कि रग दर्पण है वो भी इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। पीर बोदार है, एक सूफी संत है जो कि ग्रेट म्यूजिशियन थे इस पीरियड में। राजा मान सिंह है ग्वालियर के, जो कि ग्रेट लवर थे म्यूज़िक के, उनके द्वारा काफ़ी इनक्रेज किया गया कि ग्रेट म्यूज़िकल वर्क को यहाँ पे कंपोजिशन करना चाहिए। और ये है मन कतुहाल, इसको मन कतुहाल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है म्यूज़िक के बारे में, काफ़ी अच्छा खासा था। म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद था उस समय दिल्ली सल्तनत के सारे राजाओं को। लिटरेचर की बात करें तो ऑब्वियस है कि इन लोग का लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होता था, हर बार तो हम लोग देख ही रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में काफ़ी ज़्यादा लर्निंग और लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया जाता था, मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ये लोग सीखने के आतुर होते थे और लिटरेचर इन लोग को काफ़ी पसंद होता था। इनमें जो है अरेबिक और जो पर्शियन लिटरेचर है इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता था। जो यहाँ पे पर्शिया से आते थे, पर्शियन लैंग्वेज जाते थे, उनको यहाँ पे रूलर्स के द्वारा बहुत इनक्रेज किया जाता था। कुछ जो सुल्तान थे ना उनका अपना खुद का ही कोर्ट हिस्टोरियंस था। मोस्ट फेमस अगर हिस्टोरियन की बात करें, याद नहीं रखना है नाम, जैसे हसन निज़ामी है, मिनहज उस सिराज है, ज़ियाउद्दीन बरानी है, या फिर शाम सिराज अफीफ है, ओके सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये सारे कुछ यहाँ पे हैं, लेकिन आपको नाम नहीं याद रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर अमीर खुसरू के बारे में देखें तो ये काफ़ी फेमस पर्शियन राइटर थे, और इनके द्वारा नंबर ऑफ पोएम लिखा गया। इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी, बहुत तरीके के पोएटिकल फॉर्म से ये एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोएट्री को भी ये क्रिएट किए हैं, जिसको कि सबाके हिंद कहा जाता है, हिंदी इंडियन स्टाइल कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी वर्सेज भी लिखा गया है। अमीर खुसरो की खजाने फुतू की बात करें तो यहाँ पे अलाउद्दीन कन्क्वेस्ट के बारे में भी लिखा गया है। संस्कृत और जो पर्शियन फैक्शन है वो यहाँ पे लैंग्वेजेस को काफ़ी लिंक करते हैं। तो ये सारा जितना भी चीज़ है ना, इतना आप लोगों को ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ें कभी भी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अलबरूनी की किताबुल हिंद पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया, कि तो ये अलबरूनी की है, अरेबिक लैंग्वेज में है, और रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पर डेवलप हुई थी। चंद बरादी जो है काफ़ी फेमस हिंदी पोएट है इस पीरियड का। बंगाली लिटरेचर को भी यहाँ पर डेवलप किया गया था। नुसरत शाह जो है उनके द्वारा महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट किया गया था, तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नुसरत शाह याद रखिएगा। विजयनगर एम्पायर भी जो है यहाँ पे तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज किए थे, ठीक है। सो दिस आर ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख चुके हो कि इंडिया का क्या स्थिति था जब हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत आए थे, ठीक है। तो कैसी लगी ये स्टोरी और कैसा लगा हमारा दिल्ली सल्तनत में घूमते हुए, कि किस तरीके से सारी चीज़ें थी, आप लोग विजुअलाइज़ कर पाए होंगे। आई होप कि मैं इसको स्टोरी के फॉर्म में आप लोग के सामने रख पाई होगी, इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोग को, क्योंकि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बहुत क्लियरिटी रखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे पीरियड्स आप लोग पढ़ रहे हो ना, गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हो, विजयनगर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे अभी आप लोग इस तरीके का दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, मौर्य पढ़ोगे, मुगल है, तो इसमें क्या है ना कि क्लियर होना चाहिए कि उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, आपका सोशल कैसा था, इकोनॉमिक कैसा था, तो ये सारी चीज़ें आपसे जो है पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो आज के लिए बस इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।